भाईचारा ने मैं आपके साथ एक कुलदीपवान में भाव आज हम पढ़ाएंगे हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज पहला टॉपिक हमारा है हरियाणा जीके के सुपर 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज तारीख है भाई 10 जुलाई 2021 और भाग हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मिहिर भोज का अभिलेख कहाँ मिला भी पेहुआ मिला भी पेहुआ पेहुआ मिला भी ठीक पेहुआ को क्या जाना चाहता हूँ पेहुआ को हरियाणा का गया कहा जाता है भाई गया बिहार में तीर्थ स्थल है तो हरियाणा का गया किसे कहा जाता है पेहुआ को कहा जाता है पेहुआ। प्राचीन काल में पेहुआ क्या था प्राचीन काल में पेहुआ घोड़ों का व्यापारी केंद्र था भाई व्यापारिक केंद्र था। अब बात करते हैं त्राइन के महाराजा पृथ्वी राज सिंह चौहान तथा मोहम्मद गौर के बीच में पहला युद्ध कहाँ हुआ था पहला युद्ध भाई त्राइन में था और त्राइन का पहली लड़ाई हुई थी 1191 हुई थी और इसमें पृथ्वीराज विजयी हुए थे विजय प्राप्त की। आप बात कर रहे हैं त्राइन का दूसरा पहला वार था दूसरा युद्ध तो यह था 1192 में एक साथ बच्चे इसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे और मोहम्मद गौरी के यहाँ जीत हुई थी भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी पाठ्यक्रम द्वारा पूछे जाएंगे उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा और एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य कब बना था सबने बताया 1966 को बना था। जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा राज्य भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना था तो भाई जब हरियाणा गठन के समय हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। और दूसरी बात क्या है जब ये 17वां राज्य बना था तो संविधान संशोधन कौन था 18वां संविधान संशोधन हुआ था भाई। संविधान संशोधन हुआ था। अगली बात हम करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो राज्य है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश उसका राज्य था उसका जो अधीन था उसके अंदर था हरियाणा। कहने की बात यह है 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले हरियाणा यूपी का भाग था भाई उत्तर प्रदेश का भाग था। उसके बाद जब युद्ध हुआ था जब यह 1857 की जो गदर हुआ था उसके बाद हरियाणा 1858 से लेके 1 नवंबर 1966 तक किसका भाग रहा भाई पंजाब राज्य का। और पंजाब और हरियाणा को कब अलग कैसे अलग किया गया भाषा के आधार पर अलग किया गया था भाई। और इसमें कौन कौन से 70 फार्मूला थे और पंजाबी सूबे की मांग हुई थी उस टाइम के बाद पंजाबी सूबे वाले हरियाणा पंजाब में भाषा के आधार पर इसको अलग किया गया था। अब बात करते हैं 70 फार्मूला का मतलब हुआ था 70 फार्मूला जो था 1949 को 70 फार्मूला 1949 को लागू हुआ था और पंजाबी सूबे की मांग कब हुई थी 1948 में 1948 में पंजाबी सूबे की मांग हुई थी। अब बात करते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है
पानीपत का प्रथम लड़ाई, पानीपत में तीन युद्ध सब तो महत्वपूर्ण हुई। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी, 1526 में हुई थी किसके। और दूसरी जो लड़ाई किसके मतलब कब हुई थी? दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, अकबर और ऐबक के बीच में हुई थी। यह पहली लड़ाई है, अब ये दूसरी लड़ाई है, 1556 हुई थी अकबर और ऐबक के बीच में हुई थी, ठीक है। अब पानीपत को आधुनिक समय में युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है, हरियाणा में युद्धों का अखाड़ा किसे कहा जाता है? पानीपत को। अब पानीपत के हैं बुनकरों का शहर। अब पानीपत देशी भाई, पानीपत नंबर वन मिसावा देसी माल्टा शराब है, पानीपत नंबर वन दाल भी आओ देश जो सब तो सस्ती है हरियाणा में। और सब बात करते हैं हरियाणा का, जब संविधान संशोधन हुआ था, हरियाणा जब राज्य बना था उस समय हरियाणा की मांग को लेकर भाषाई आधार पर हरियाणा को का एक अलग जिला बना, राज्य बना दिया था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था भाई, तो 1398 ईस्वी थी, ठीक है। और अब बात करते हैं फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी? फतेहाबाद 1351 में फतेहाबाद की स्थापना, फतेहाबाद की स्थापना। और भाई 1354 में हिसार जो जिला है हिसार की स्थापना की गई थी भाई। ये थे सुपर 20 क्वेश्चन भाई हरियाणा जीके की।